गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वेक्टर एडिशन का नेक्स्ट स्टेप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट्स अ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। वेक्टर एडिशन में सबसे इम्पोर्टेंट लॉ होती है ये न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर बहुत सारे आते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं कि दो वेक्टरों को हम किस तरीके से ऐड करें कि पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई हो। ट्रायंगल लॉ हमने यूज किया। ट्रायंगल लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि एक वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड अगर कंसाइड कर जाए, या एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल यानी टेल हेड अगर कंसाइड कर जाए तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वही लॉ पॉलीगंस लॉ में अप्लाई हुआ था, यूज हुआ था। आज पैरेललोग्राम लॉ कर रहे हैं ये बिल्कुल उनसे हटकर है, बिल्कुल उनसे अपोजिट है ये। तो इसको हम करते हैं, देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है किस तरीके से बनता है, ये लाइक पैरेललोग्राम। और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, ये दोनों एडजेसेंट्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट्स हैं, तो इस तरीके की एडजेसेंट साइड्स। तो हमें कोई भी दो वेक्टर लेने हैं जो कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ध्यान से देखना, ये मैंने एक पी वेक्टर ले लिया और एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये हमने ले लिया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक बात का ख्याल रखना, दोनों वेक्टर इस तरीके से रखने हैं हमें कि दोनों की टेल टू टेल कोइंसाइड करे। ठीक है, याद रखना पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर इस तरीके से हमें एडजस्ट करने हैं कि दोनों की टेल टू टेल कोइंसाइड करे। ठीक है, हो गई ये बात। देन डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब भैया डायगोनल तो देखो ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल तो ये भी है और ये भी डायगोनल ही है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों वेक्टर जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट से जो डायगोनल होगा ना, यानी ये डायगोनल, ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी ये आर को रिप्रेजेंट करेगा। जब इसको मैं जॉइंट करूंगा इस तरीके से तो ये पैरेललोग्राम लॉ की तरह बिहेव करेगा, वो आपकी मर्जी है कैसा बनाना चाहते हो। लाइक दिस। तो दो वेक्टर हमने लिए, दोनों की टेल टू टेल कोइंसाइड करवाई, तो उनका जो डायगोनल होगा दैट इज आर, और आर आपको मालूम है क्या होता है, दोनों का सम। वेक्टर एडिशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है पैरेललोग्राम लॉ, उससे बिल्कुल अपोजिट है, वो हेड टू टेल था और ये क्या है, टेल टू टेल। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, क्या होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कल भी हमने ट्रायंगल लॉ की हेल्प से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट किया था, आज भी हम पैरेललोग्राम लॉ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करके ये पता करेंगे क्या दोनों सेम है, क्योंकि भैया दोनों टाइप ही वेक्टर एडिशन के हैं, तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम आती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हम डेराइव करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। देखिए अभी मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। देखिए बहुत ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर लिया था पी, ये एक वेक्टर लिया था क्यू। ठीक है, और ये हमारा डायगोनल हो गया था इस तरीके से। ये कौन था, आर।
नाम दे दें ए बी सी डी। क्लियर? वेरी गुड। अब आपको मालूम है ना, अब देखिए वेक्टर पी और वेक्टर क्यू टेल टू टेल जुड़ रहे हैं, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। क्योंकि थीटा दो वेक्टर के बीच में एंगल लेने की कंडीशन क्या बताई थी? टेल टू टेल अगर होंगे तो ही उन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा वही मान्य होगा, वही हम लेके चलेंगे, ठीक है, वही लीगल होगा। तो इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। सिमिलरली जो ट्रायंगल नाम है क्या थे, परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूं यहां से। अब जरा देखिए, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ये तो पढ़े होंगे 10th क्लास में, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं ये, ठीक है। ये अगर Q है, ध्यान देना, ये अगर Q है तो ये भी Q हो जाएगा, ये अगर P है तो ये भी P हो जाएगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, इसको मैं नाम दे देता हूं N। मैंने फिर इसकी वैल्यू निकाली थी कल, इसकी भी वैल्यू निकाली थी, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल देखूं, देखिए ए सी एन, ए सी एन, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अगर मैं ऊपर पाइथागोरस अप्लाई करूं, तो पाइथागोरस के लिए तीनों साइड्स का होना जरूरी होता है, तीनों साइड्स नहीं है ना मेरे पास, बी एन नहीं है और सी एन नहीं है, तो इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा। निकालने का तरीका वही रहेगा जो कल ट्राइंगल नाम है, बड़ा सिंपल, लेकिन अब आपका लेवल थोड़ा हाई हो चुका है, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए अगर ये क्यू है और ये साइड है, अगर एंगल इस साइड के साथ बन रहा है तो ये कोस में टूटेगा, क्यू कोस टूटा थीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्यू साइन थीटा। क्लियर? अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने सिंपल तरीके से चले, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उस तरीके से करवा देता हूँ। देखिए सी बी एन, ट्राइंगल सी बी एन, लगा दीजिए साइन थीटा, लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज सी एन अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यू साइन थीटा। ये देखिए आप इस तरीके से कर लीजिए, सेम आया, ठीक है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल में सी बी एन राइट एंगल ट्राइंगल में कोस लगा दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन कितना आ जाएगा, क्यू कोस थीटा। आना वही है, आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो मैंने समझा दिया, वरना ये बहुत ही इजी आगे टॉपिक आएगा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, तो अगर वो आपने समझ लिया तो ये आप डायरेक्ट कर दोगे, इसको करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब बड़ा सिंपल सा काम हो गया भाई, पाइथागोरस लगा देते हैं, अब तो ये वही बन गया जो ट्राइंगल ला था। देखिए ट्राइंगल ए सी एन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर ए एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, पुट द वैल्यू, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज ए पी प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस सी क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट इज पी प्लस व्हाट इज बी एन, क्यू कोस थीटा स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। मॉडिफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल 10th क्लास का मैथ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी खोल दीजिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कोस थीटा एंड प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस कंडीशन और इसमें देखिए क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन बन जाता है, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा एंड आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। अरे ये तो वही आ गया जो पैरेलल उसका ट्राइंगल ला का था, ठीक है। तो याद रखना, ट्राइंगल ला हो या पैरेललोग्राम ला हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दोनों का सेम आता है। क्लियर? तो आपको एक ही समझना है,
दूसरा अपने आप हो जाएगा। मेनली पैरेललोग्राम ला है, ठीक है, रिजल्टेंट हमारा वही आया है, आर की वैल्यू वही आई है जो ट्राइंगल ला के आई थी, तो सेम है। अब हम बात करें अगर डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी देखिए सेम ही आएगी। चलिए करते हैं उसको भी, देख लेते हैं सेम आती है या नहीं। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन के लिए मैंने टेंजेंट लगाया था, ये देखिए ए सी एन रिजल्टेंट बेस एंगल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो एंगल कहलाता है डायरेक्शन का एंगल। टेंजेंट अल्फा, बीटा भी ले सकते हो, गामा भी ले सकते हो, एज योर चॉइस। जो बुक में लिख रखा जरूरी नहीं है वही करना होता है हमें, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दे रखा होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा एज योर चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हो। तो टेंजेंट थीटा इन ट्राइंगल ए सी एन, अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी एन, बेस क्या है ए एन, टेंजेंट अल्फा व्हाट इज सी एन, क्यू साइन थीटा व्हाट इज ए एन, ए बी प्लस बी एन, टेंजेंट अल्फा क्यू साइन थीटा अपॉन ए बी क्या है पी प्लस बी एन क्या है क्यू कोस थीटा। तो देखिए वही डायरेक्शन का फॉर्मूला बनता है जो ट्राइंगल नाम में आया था। तो मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो दोनों का सेम आता है, डिफरेंट सिर्फ क्या है स्ट्रक्चर का डिफरेंट। उसमें हेड टू टेल की सहायता से हमने बनाया था, इसमें टेल टू टेल की सहायता से हमने बनाया। उसमें रिजल्टेंट कौन था, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल यानी क्लोजिंग साइड, और इसमें रिजल्टेंट कौन है, डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यही फर्क होता है, यही थोड़ा सा याद रखना है आपको, वरना इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन दोनों का बड़ा सिंपल सा है, दोनों का सेम है, टेंथ क्लास का मैथ यूज हो रहा है, ठीक है। तो डेरिवेशन में पजल होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, कंसेप्ट को आप समझना है। अब बात आती है इसके स्पेशल केस, तो इसके बहुत सारे हैं, मैं आपको यहाँ पे दो सिंपल स्पेशल केस करवा रहा हूँ आज, जो इसके तीन स्पेशल केस। देखिए स्पेशल केस होगा एंगल 0, एंगल 180, एंगल 60, एंगल 120 और एंगल 90। तो जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो डीपली स्टडी हम करवाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ मैं दो स्पेशल केस आज के लिए इसके लिए करवा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप स्पेशल केस लगाएंगे, क्या आपको दोनों रिजल्ट याद हैं, आर कितना आया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, टेंजेंट अल्फा याद है आपको कितना आया क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हम केस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस, व्हेन बोथ वेक्टर are parallel to each other, अरे parallel, ये देखिए p vector, ये देखिए q vector, जब दोनों vector parallel हो जाएंगे तो दोनों के बीच में angle कितना होता है, दो चीजें जब parallel होंगी तो angle कितना बनेगा, simple सी बात है, angle 0 degree बनेगा। तो ये जो angle 0 degree है, ये दोनों केस में apply कीजिए, तो जब parallel angle होता है तो resultant और tangent यानी direction क्या क्या आती है हमारे पास, देखिए नाउ आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस 0 डिग्री, एंड कोस 0 क्या होता है 1, आर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, एंड ये तो आइडेंटिटी बन गई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। समझा दिया था मैंने पहले ही, दोनों वेक्टर का जो सम होता है वही रिजल्टेंट के बराबर होता है। ये कब होगा, जब बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, टेंजेंट अल्फा क्यू साइन 0 पी प्लस क्यू कोस 0, साइन 0 0 कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। cos 0 ये 1 बन जाएगा, ये पूरा 0 बनेगा, something upon some 0 upon something 0,
अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो, कोई डायरेक्शन ही नहीं आई। रिजल्टेंट कहाँ बनाओगे दोनों का जब दोनों मीट ही नहीं कर रहे? तो रिजल्टेंट क्या होता है, डायगनल, जब दोनों मीट ही नहीं कर रहे, दोनों पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के, तो एंगल ही नहीं बन रहा, तो डायरेक्शन भी जीरो आएगी। क्लियर हो गया पहला केस। दूसरे केस की बात करते हैं, एंटी पैरेलल, इसके अपोजिट। चलिए अपोजिट काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, वेयर बोथ एंगल, बोथ वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, ये होते हैं एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल में एंगल क्या माना जाता है, एंटी पैरेलल में एंगल क्या माना जाता है, मान लीजिए एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो याद रखना एंगल होता है, एंटी पैरेलल में एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री दोनों केस में हम पुट करेंगे, तो आर कितना आएगा देखिए, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कोस 180 डिग्री। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 180? देखिए कुछ एक वैल्यूज आपको रिमेंबर ही रखनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री में आती है ये सारी, 90 तक तो आपने पढ़ी है 10th क्लास में। कोस 180 होता है -1, माइनस आगे आ जाएगा ये बचेगा, तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर कैंसिल आउट, आर कितना आ जाएगा, पी माइनस। ठीक है, तो एंटी पैरेलल में डिफरेंस जो होता है वो ही रिजल्टेंट का काम करता है। ठीक है, या हम क्यू ओ और क्यू माइनस पी भी कह सकते हैं, क्योंकि क्यू माइनस पी करो या पी माइनस क्यू करो, होल स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो याद रखना एंटी पैरेलल केस में, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, एंटी पैरेलल केस में बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को ही घटाया जाता है। p अगर बड़ा है तो ही q घटेगा उसमें से, अगर q बड़ा है तो q माइनस p का रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं इस बात को, इन एंटी पैरेलल केस ऑलवेज सब्ट्रैक्ट smaller vector from largest vector, larger vector. ठीक है, ये बात तो हो गई। अब direction, direction वही होगी resultant की, direction वही होगी resultant की जो कि बड़े vector की होगी, जो कि बड़े vector की होगी। चलिए वैसे direction हम निकाल सकते हैं, यहाँ से साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, कोस 180 साइन 180, साइन 180 फिर से जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है, साइन 360 जीरो होता है, यानी साइन की वैल्यू में अगर 180 जोड़ते चले जाओगे तो हर एक वैल्यू जीरो आएगी आपके पास। ये आपको समझ में आ जाएगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं डायरेक्शन निकालूँ तो डायरेक्शन में यहीं से निकाल देता हूँ, देखिए क्यू साइन 180 पी प्लस क्यू कोस 180 साइन 180 जीरो, ये फिर से वही आ रहा है जीरो। तो एंटी पैरेलल कह लो या पैरेलल कह लो, एंगल जीरो ही आता है, रिजल्टेंट बनेगा ही नहीं, रिजल्टेंट बनेगा ही नहीं। तो दीज आर ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। बड़ी सिंपल सी रिमेंबर पॉइंट याद रखने आपको, भैया टेल टू, अगर पैरेललोग्राम अप्लाई करना है तो टेल टू टेल जोड़ो, उनका जो डायगनल होगा दैट इज द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू है, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट की। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस पे हम स्पेशल केस लगाए, 0 डिग्री और 180 डिग्री में समझा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट केसेस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री के, वही न्यूमेरिकल्स में आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।